आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम लोग सुकून पाने के लिए कहीं दूर नेचर के करीब जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आसपास की दुनिया को ही हरा भरा बना देते हैं। ऐसे लोग अपने नए नए आइडियाज से एनवायरमेंट को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही ग्रीन वीरों की कहानियां दिखा रही हूं। हमारा देश धर्म और आस्था वाला देश है। पूजा पाठ में लोगों की काफी रुचि रहती है। हम मंदिर जाते हैं, वहां धूप बत्ती और अगरबत्ती जलाते हैं, फिर आस्था के नाम पर इससे निकली राख को किसी नदी या तालाब में बहा देते हैं। जाने अनजाने में हम इस राख से नदी का पानी पल्यूट कर देते हैं। ग्रेटर नोएडा में एक नौजवान ने इस समस्या का समाधान ढूंढा है। जिस राख को हम नदियों में बहा देते हैं उसे ये खूबसूरत आकार देते हैं। मंदिर में धूप बत्ती और अगरबत्ती जलाने से इकट्ठा हुई यह राख आम लोगों के लिए वेस्ट यानी कचरा हो सकती है, जिसे लोग अक्सर किसी नदी या तालाब में फेंक देते हैं। लेकिन 21 साल के आकाश सिंह इसका बेस्ट यूज जानते हैं। उनके लिए यह बड़े काम की चीज है, क्योंकि इसी राख से उनके स्टार्टअप एनर्जीनी इनोवेशंस की नींव पड़ी, जिसमें आज कई लोग काम करते हैं। ये लोग इसी राख का इस्तेमाल कर मूर्तियां समेत तमाम तरह की सुंदर चीजें बनाते हैं, जिनकी भारत ही नहीं विदेशों में भी मांग है। इसका आइडिया आकाश को तब आया जब वो महज 17 साल के थे। हर हफ्ते इस मंदिर में आते हैं और हम लोग हर हफ्ते मंदिरों में जाते हैं और मंदिरों से वहाँ की राख कलेक्ट करते हैं। पहले क्या होता था, बेसिकली ये जो राख है ये लोग यहाँ से लेते थे और इस राख को यहाँ से लेने के बाद नदियों में डाल दिया करते थे, और नदियों में डालने से इससे पॉल्यूशन होता था। पर अभी इससे हम जो हमारी मूर्तियां हैं, जो भी चीजें हैं, हम इसी राख का यूज करके बनाते हैं। इसको चेंज करते हैं कॉन्क्रीट में और कॉन्क्रीट से हम वो सब चीजें बनाते हैं। जैसे हम लोगों ने ये राख ली, राख को नारियल की राख के साथ डाला, इसमें पानी डाला और ऐसे करके हम इसे अपने मोल्ड्स में डालते हैं। रिफाइन करने के बाद में और ऐसे डालते हैं और इसके ऊपर पानी डाल के और छोड़ देते हैं, और फिर जब इससे ऐसे करके निकालते हैं तो पूरी की पूरी मूर्ति तैयार बन के निकलती है, जैसा भी ये वो है। तो ये मोल्ड्स की हेल्प से हम ये सब चीज़ें बनाते हैं। इन मोल्ड को हम 3D प्रिंटिंग से भी प्रिंट करते हैं और सिलिका से भी बनाते हैं और रबड़ से भी बनाते हैं। और एक मोल्ड लगभग 500 से 700 मूर्तियां आराम से बना सकता है। बस एक मोल्ड बनाया, उसमें ये राख डाली नारियल हस्क ऐश के साथ और उनको इरिगेट किया, और सिंपल 500 से 700 स्टैचू आराम से बना सकता है। ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके के रहने वाले आकाश बताते हैं कि आज उनका आइडिया चल निकला है, लेकिन राख से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए उन्होंने पहले कई तरह की कोशिशें की, जिसके बाद वो इसका समाधान ढूंढ पाए। मैं अपने कॉलेज के दिनों में अपने दोस्तों के साथ पास में एक मंदिर था, वहां पे जाता था, और जब मंदिर के पास में तालाब के पास हम लोग जाके बैठते थे, वो हमारा बेस्ट टाइम होता था और बड़े ही मजे आते थे हम लोगों को। अब धीरे धीरे करके हमने देखा जो टेम्पल की जो अगरबत्ती धूपबत्ती की राख है, जो फूल पत्ती है, जो मालाएं हैं, जो नारियल हैं, वो सारी का सारा वेस्ट डंप हो रहा था उस तालाब में। तो वो तालाब पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो चुका था और उसके अंदर जो वाटर बॉडीज थी वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। तो जब इसी के ऊपर रिसर्च करी, ये सब चीज़ें पता चली, तो डिसाइड किया जो अभी तक ये होता आया है ये अभी आगे नहीं होने देना है। मंदिर के पुजारी जी से बात करी, उनसे बोला कि आप ये प्लीज़ इसमें डंप मत करिए। तो उन्होंने बोला तो ये जो शुद्ध एशेज हैं, राख है, इसको फिर कहाँ डालें, यहाँ पे ना डालें। तो बहुत अच्छा उनका ये सवाल था और इसी से स्टार्टिंग हुई एनर्जी इनोवेशंस की। मैंने उनसे बोला कि आपसे आप ये नहीं डालोगे, यहाँ से मैं कलेक्ट करूंगा और हम इसका कुछ करेंगे। ये जो एशेज हम कलेक्ट कर रहे थे इसको चेंज किया कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। वो कैसे चेंज किया, जो नारियल की राख होती है उसको जला के उससे एक बाइंडिंग मटेरियल बनाया, अगरबत्ती धूपबत्ती की राख, इनको साथ में मिलकर हम लोगों ने स्टैचूज, स्क्रिप्चर्स, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स ऐसे बनाए। और आज के टाइम में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंटरनेशनली भी है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मंदिर वाला तब आया जब मेरी उम्र 17 साल की थी।
तो तब मैंने ये नहीं सोचा था कि इससे एक स्टार्टअप खड़ा करना है, 170 टेंपल, 160 टेंपल कवर करने हैं। तब चैलेंज ये था कि ऐसा हो रहा है, ये होने से रोकना है। तो सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करी, लोगों को समझाया जाए। मंदिरों में गया, लोगों से बोला आप ये अगरबत्ती धूपबत्ती मत लगाइए, इसमें पॉल्यूशन होता है। तो लोगों ने बोला तू तो नास्तिक है, हमें क्या चीज बता रहा है। अपनी कोशिशों का अंजाम देखकर आकाश समझ गए थे कि सिर्फ लोगों को समझाने से बात नहीं बनेगी, बल्कि उन्हें भी कुछ अलग सोचना होगा। आकाश की अलग सोच का नतीजा आज सबके सामने है। उनके स्टार्टअप से एनवायरनमेंट को बचाने के साथ साथ कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। आज दिल्ली एनसीआर में सैकड़ों लोग उनके इस मिशन से जुड़कर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। आकाश का मानना है कि ये स्टार्टअप उन्होंने सोशल कॉज के लिए शुरू किया, न कि अपने प्रॉफिट के लिए। इसलिए वो इस मुहिम से ज्यादा लोगों को जोड़ने पर जोर देते हैं, ताकि इसका फायदा सभी लोगों को। एनर्जी नी इनोवेशंस को स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं था कि मैं कुछ प्रॉफिट कमाऊं, अपनी जेब में डालूं और ऐसा ही करूं। इसका मकसद था एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, जो हम दिल्ली एनसीआर में कर पा रहे हैं। अब हम काम कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ, जो नेक्स्ट स्टेज है कि हम इस चीज को बढ़ाएं ऑल ओवर इंडिया, हर जगह जहां पे भी लोग करना चाहें। इसीलिए हम लोगों ने अभी रिसेंटली अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम से स्टार्ट किए हैं, जहां हम 15 दिन की और एक हफ्ते की ट्रेनिंग देते हैं। लोगों को सिखाते हैं कि आप ये कैसे बना सकते हैं। ये ट्रेनिंग्स हम लोग कम्युनिटीज को देते हैं, एनजीओस को देते हैं और अलग अलग जो सोसाइटीज काम करती हैं उनको देते हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है 3 साल पुरानी है, तो हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी ने इनोवेशंस के साथ मिलकर हम लोगों ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो कोविड स्ट्रक फैमिलीज थी, जो लेडीज थी जिन्होंने अपने सोल ब्रेड अर्नर्स को लूज कर दिया था कोविड टाइम में, हम उन लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बना रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं, हमसे रॉ मटेरियल्स प्रिक्योर करते हैं और हम उनकी ट्रेनिंग कराते हैं हाउ टू मेक दीज हैंडीक्राफ्ट्स एंड स्टैचूज एंड एवरीथिंग। तो वो लोग हमारी 15 दिन 30 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बाद वो खुद से बना पाते हैं और फिर इनको या तो बेच पाते हैं अच्छे प्राइसेस पे, या अगर नहीं बेच पाते तो हम उनसे खरीदते हैं अच्छे प्राइसेस पे। आकाश की इस मुहिम को बढ़ता देख उनके मेंटोर भी खुश हैं। आकाश को जानने वालों ने पहले नहीं सोचा था कि उनका ये आइडिया इस कदर हिट हो जाएगा। ये 2017 में हमारे पास आया था आकाश, और उस टाइम पे इसका आइडिया कुछ और था। वो बनाना चाहता था एक वॉकिंग स्टिक, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो और उससे जो सीनियर सिटीजन जो है वो लाइट दे पाए उसी स्टिक के थ्रू। तो उस टाइम पे काफी अच्छे से बात हुई थी, बट उसको मैंने एक बात समझाया कि जो आइडिया वो लेकर आया है वो उसका मार्केट बहुत कम है, और दूसरा उस टाइम पे सिर्फ ये 17 साल का था और हमारे यहाँ पे सिर्फ अडल्ट को रखते हैं। तो उसको बोला कि आप वापस जाइए, पढ़ाई थोड़ी सी और करिए, जब आप 18 साल के हो जाएंगे और अपने आइडिया पे थोड़ा सा और काम करेंगे फिर वापस आइए। बट हम लोग लगातार टच में भी थे, तो जब ये अपना आइडिया चेंज कर रहा था, जो हम लोगों ने कुछ फैकल्टी से भी इसकी मुलाकात करवाई और उसने अपना आइडिया चेंज किया, जिससे कि आज वो एनर्जिनी जो बना है वो उसमें से बना है, उस आइडिया में से जो उसने दूसरे बारी लेके आया था। तो बहुत अच्छा लगता है, अभी तो बड़ा हो रहा है और खुद भी बड़ा हो रहा है और उसका जो वेंचर है वो भी बड़ा हो रहा है, तो अच्छा लगता है। गॉड ब्लेस हिम एंड मे ही डू रियली वेल। भारत मंदिरों का देश है। एक छोटे से मंदिर से एक हफ्ते में 150 से 200 किलो तक राख निकलती है। सोचिए, अगर देश के सभी मंदिरों की राख नदी तालाबों तक पहुंचती है तो भला उनका क्या हाल होता है। आकाश की मुहिम शानदार है, लेकिन आकाश अब अपनी मुहिम को आकाश भर आकार देना चाहते हैं। सफर आसान नहीं है, मंजिल आसान नहीं है, लेकिन शुरुआत हुई है। तो हम आकाश के लिए यही दुआ करते हैं कि उनका ये स्टार्टअप एक दिन बहुत बड़ा हो जाए, ताकि तालाब और नदियों को एक नया जीवन मिल पाए। अब मैं आपको इस मिशन के हीरो से मिलवाती हूँ। आकाश इस वक्त हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आपका स्टार्टअप अब कितना बड़ा हो गया है? एनर्जी इनोवेशंस, पहले हम लोग सिर्फ दिल्ली एनसीआर के अंदर काम करते थे, पर अभी हम लोग सिर्फ दिल्ली एनसीआर में काम नहीं करते, हम दिल्ली एनसीआर के बाहर भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं। हमारे देश में 5 मिलियन टेम्पल्स हैं। मेरा मानना है कि अगले 5 सालों में हमें कम से कम इन 5 मिलियन टेम्पल से 1 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है। ये एम्प्लॉयमेंट हम लोग कैसे प्रोवाइड कराएंगे? ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएंगे हम लोग अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू कैसे? हम लोग का मानना है कि हर मंदिर से कम तकरीबन हम 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं।
तो हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, जिन ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू हम लोगों को सिखा रहे हैं कि वो कैसे उस सैंपल वेस्ट से प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसके अलावा क्या आप किसी और इनोवेशन पर भी काम कर रहे हैं? अभी रिसेंटली हमने एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट किया जो कि हाईली सक्सेसफुल रहा। वो प्रोजेक्ट था सॉइल राखी का। हम लोगों ने सॉइल से, मिट्टी से राखियां बनाई और 100% इको फ्रेंडली, बायोडिग्रेडेबल, नेचुरल राखी बनाए। और हम लोगों को, हमने एक अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया है इसके लिए जो कि ट्रायल वेबसाइट था, और हम लोगों ने 2 हफ्ते के अंदर 7,500 से ऊपर राखियां सोल्ड आउट करी। आकाश, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद एंड आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत बधाइयां। मेट्रो सिटीज में रहने वालों के लिए प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। भारी पॉल्यूशन से दिल्ली की हवा तो इतनी खराब हो जाती है कि इसकी तुलना गैस चेंबर से कर दी जाती है। हालत यह है कि अब स्कूल और दफ्तरों में एयर प्योरिफायर लगने लगे हैं। साफ हवा के लिए लोग अपने घरों में भी अब एयर प्योरिफायर लगाने लगे हैं। पर आपको एक ऐसे इनोवेशन के बारे में बताते हैं जिससे आपको एयर प्योरिफायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरे भरे पौधे से सजा, देखने में गमले जैसा टेबल पर रखा यह खास तरह का नेचुरल एयर प्यूरिफायर है। ये प्रदूषित हवा को कुदरती ढंग से साफ और स्वच्छ बनाता है। इस नेचुरल एयर प्यूरिफायर को अर्बन एयर लैब्स नाम के एक स्टार्टअप ने तैयार किया है। इस स्टार्टअप को IIT कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले संजय मौर्य ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर शुरू किया है। संजय मौर्य ने बताया कि उनकी कंपनी ने अब तक 2 प्यूरिफायर लॉन्च किए हैं जो पूरी तरह से क्लीन और ग्रीन है। ये हमारी टेक्नोलॉजी ब्रीदिंग रूट्स का पहला प्रोडक्ट है। इसको यूब्रीथ मिनी बोलते हैं हम लोग। इस प्रोडक्ट में एक पौधे के थ्रू हम लोग 50 गुना प्यूरिफिकेशन कैपेबिलिटी इम्प्रूव करने में सक्षम हुए थे। इसका मतलब है, इस प्रोडक्ट में अगर मैं एक पौधा लगाऊंगा वो 50 नॉर्मल पौधों के बराबर क्लीनिंग करके देता है मेरे को। इसी टेक्नोलॉजी को हमने अपने दूसरे प्रोडक्ट में एक्सपैंड किया क्योंकि हम लोगों को ये चीज़ सीखने को मिली कि इंडियन टिपिकल हाउस होल्ड्स में जो घर होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, वेंटिलेटेड होते हैं, खिड़की दरवाजे खोलने की आदत होती है, तो हमें एक ज़्यादा पावरफुल प्रोडक्ट की ज़रूरत है। इस प्रोडक्ट के साथ हमने 500 गुना प्यूरिफिकेशन अचीव किया, यानी कि जो ये एक पौधा है ये इस समय 500 पौधों के बराबर की क्लीनिंग करके दे रहा है। इस प्रोडक्ट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इस प्रोडक्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो पौधा है और ये जो इसका पॉट है, इस पॉट को जैसे आप देख सकते हो कि ये चारों तरफ से ओपन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रीदिंग रूट्स टेक्नोलॉजी में जो प्यूरिफिकेशन होता है वो इस जोन में होता है, सॉइल रूट जोन में, यानी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा कंटामिनेंट्स मेरे इस जोन में सॉइल के अंदर जा पाएंगे उतना ही ज़्यादा क्लीनिंग पॉसिबल होगी। इसी वजह से ये जो पॉट का डिज़ाइन है वो चारों तरफ से ओपन है। ये मेरे एयर इनलेट्स हैं जहाँ से हमारी जितनी भी नॉर्मल पोल्यूटेड हवा है वो अंदर जाती है। फैल्कन रिंग इस पॉट के चारों तरफ हवा को अंदर की तरफ पूरी तरह से फोर्स करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूटेंट सॉइल रूट में जाके फाइटो रेमेडिएशन प्रोसेस के थ्रू क्लीन हो सकें। इस चेंबर में हमारी ज़्यादातर क्लीनिंग होती है जहाँ पर हमारी बायो क्लीनिंग होती है, और आखिरी में हमने एक UV प्योरीफायर भी ऐड किया है जो कि अंदर है, तो हवा यहाँ से एब्जॉर्ब होती है, इस पूरे एरिया में क्लीनिंग होती है उसकी पौधों के थ्रू, एंड फिर यहाँ से चारों तरफ से एग्जिट पॉइंट्स हैं, तो चारों तरफ से हमारी साफ हवा बाहर की तरफ निकलती है। हवा चारों तरफ से बाहर निकलने का रीज़न ये है कि इसका कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा हो। संजय ने गुड न्यूज़ स्टूडियो को बताया कि इन प्रोडक्ट्स को बनाने के पीछे एक ही मकसद है कि कैसे प्रदूषित हवा को साफ करने का कुदरती तरीका ढूंढा जाए, क्योंकि अभी बाजार में जो एयर प्यूरिफायर मिलते हैं वो मैकेनिकल फिल्टर वाले होते हैं जो कि सिर्फ फौरी तौर पर राहत देते हैं। दिल्ली में 10 साल रहने के बाद और लखनऊ जैसे शहरों में मैंने अपना पूरा बचपन निकाला है, मैंने ये रियलाइज किया कि एयर पोल्यूशन
इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है पिछले 20-30 सालों से, जबकि इस सेगमेंट में जो काम हो रहा है वो बहुत ही मिनिमल है। तो अभी मार्केट में अगर किसी को एयर प्यूरीफायर खरीदने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके पास फिल्टर बेस्ड मैकेनिकल प्यूरीफायर सी ऑप्शन है। 2018 में मैंने अपने कुछ सीनियर्स जो कि IIT कानपुर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए एलम्स हैं, उन लोगों के साथ मिलके मैंने इस कंपनी को शुरू किया। हमारा एम था कि अल्टरनेट नेचुरल सॉल्यूशंस देना एयर पोल्यूशन जैसी समस्याओं के लिए, ताकि एक कॉमन मैन के पास एक ग्रीन और क्लीन टेक बेस्ड सॉल्यूशन हो जिसका कार्बन फुटप्रिंट जीरो। दिल्ली में इस प्रोडक्ट को ऑलमोस्ट हमने 500 से ज़्यादा यूजर्स को यूज़ करने का मौका दिया। उन यूज़र्स के साथ हमने बहुत ही क्लोजली 2 साल तक काम किया। हमने सीखा कि एक एयर प्यूरीफायर के साथ क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है कस्टमर की, एयर प्यूरीफायर को यूज कैसे करते हैं। अर्बन एयर लैब्स का दावा है कि देश का पहला नेचुरल एयर प्यूरीफायर है जो कि ब्रीदिंग रूट्स टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसके साथ ही इसमें अर्बन मुन्नार इफेक्ट तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। तो नेचर को हम हमेशा एक एस्पेक्ट मान के चलते हैं कि हम उसको थ्रू ही एक सोल्यूशन डिराइव करेंगे, बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव कि गॉड से बड़ा इंजीनियर कोई नहीं है, और जितने फेनोमेना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उन्हीं फेनोमेना को हम मिमिक करके एक अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं। तो जैसा कि हमने यूब्रिद लाइफ में किया है कि एयर के जो फ्लो पैटर्न्स को हमने एक मुन्नार डिस्ट्रिक्ट है केरला की, वहाँ के हिल्स से कॉपी किया है। अब इस हिल्स में ऐसा फेनोमेना होता है कि जितनी एयर सर्कुलेशन होती है वहाँ पे एकदम से बहुत ज़्यादा होती है। तो सिंस हमारी यूब्रिद लाइफ में हमें रूट जोन के आसपास बहुत ज़्यादा एयर फ्लो को ले आना था और इंट्रैक्शन टाइम बढ़ाना था, तो जितनी फाउल एयर ऊपर से आ रही है पहले फैलकन रिंग की वजह से सर्कुलेट हो रही है और मैग्नेट की वजह से डिफ्लेक्ट हो जा रही है प्लांट के पॉट के आसपास। तो सिंस सारी की सारी मोस्टली क्लीनिंग रूट के आसपास हो रही है, तो इन दो जो फैलकन इफेक्ट है और मैग्नेटो इफेक्ट है इनके साथ बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशन हो रहा है एयर क्वालिटी क्लीनिंग में। तो इन दोनों फेनोमेनों को जब कंबाइन करके हमने देखा तो एक सिंगल प्लांट 500 प्लांट के बराबर एयर प्योरीफिकेशन कर पा रहा था एक गिवन स्पेसिफिक रूम में ऑफ 250 स्क्वायर फीट। तो इस फेनोमेना का नाम हमने, सिंस हम इंस्पायर भी मुन्नार से हुए थे, तो इसका नाम हमने अर्बन मुन्नार इफेक्ट दिया है और ये यूब्रिद लाइफ में वर्किंग है। अर्बन एयर लैब्स के बनाए प्रोडक्ट की खास बात यह है कि पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इसका इस्तेमाल बंद जगहों में ही नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट जैसी खुली जगहों पर भी किया जा सकेगा। तीन बड़े एक्स फैक्टर हैं। पहली जो इसकी खूबी है वो ये है कि कम्प्लीटली सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। इसमें किसी भी प्रकार का आपको फिल्टर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो पोल्यूशन पौधा कंज्यूम कर रहा है वो उसकी ग्रोथ के लिए अच्छा भी है। दूसरी बड़ी खूबी जो है इसमें वो ये है कि एयर पोल्यूशन जो होता है वो सिर्फ धूल मिट्टी नहीं है, उसमें बहुत सारी हानिकारक गैसेज होती हैं, एयरबॉर्न वायरसेस और बैक्टीरियाज जैसी समस्याएं भी होती हैं। तो यानी कि आपको एयर पोल्यूशन को ट्रीट करने के लिए डस्ट पार्टिकल भी कंज्यूम करने हैं, बैक्टीरियाज भी ख़त्म करने हैं और गैसेस को भी ख़त्म करना है। हमारे प्रोडक्ट में एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एयर कंटामिनेंट्स को क्लीन किया जाता है। तीसरी बड़ी जो इसकी खूबी है वो ये है कि ये प्रोडक्ट कम्प्लीटली मेड इन इंडिया है। तो इस प्रोडक्ट में जितना भी मटीरियल है लेके उसके अंदर की जो बॉडी है, जो मेटल की बॉडी है, बाहर की जो बॉडी है वो रियल वुड है, ये सारा का सारा इंडिया में बनाया जाता है और कुछ भी बाहर से प्रोक्योर नहीं किया जाता है। सो हमारा उद्देश्य यही था कि हम लोग इंडिया में बनाएंगे बट पूरी दुनिया के लिए बनाएंगे। तो मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड हमारा एक लोगो है जो हम फॉलो करते हैं। हम अपने आप को सिर्फ इनडोर एयर प्योरीफिकेशन या फिर इंडिविजुअल यूजर्स तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं, हम पब्लिक तक पहुंचना चाहते हैं, जिसके लिए हमारे जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हैं वो वॉल बेस्ड सॉल्यूशन हैं जो कि आपके पब्लिक स्पेसेस जैसे कि मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट वहां पर लगेंगे। तो पौधों के द्वारा होने वाली क्लीनिंग को हम लोग बिल्डिंग्स पर लगाकर, वॉल्स पर लगाकर बड़े बड़े स्पेसेस को कवर करेंगे। आमतौर पर बाजार में जो प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं वो एक समस्या का समाधान करने के साथ दूसरी समस्या की जड़ बन जाते हैं, लेकिन इस नेचुरल प्यूरीफायर की इनोवेशन में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि इससे कोई भी साइड इफेक्ट न हो। भागदौड़ भरी जिंदगी में नेचर के करीब रहना सबसे ज्यादा सुकून देता है। इसके लिए लोग कहां कहां घूमने नहीं जाते। कंक्रीट जंगल की तरह
बसे महानगरों में तो लोग ग्रीनरी देखने के लिए तरस जाते हैं, लेकिन सोचिए अगर कोई अपने घर को ही इतना हरा भरा बना दे कि हर जगह हरियाली नजर आए तो कैसा हो। आगरा में एक सीनियर सिटीजन ने ऐसा ही कमाल कर दिखाया है, वो भी अपने दम पर। ताजमहल वाले आगरा शहर में खूबसूरत ग्रीन हाउस भी है जो एक नजर में ही किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। गुड न्यूज टुडे की टीम जब इस जगह पहुंची तो खुद घर के मालिक चंद्रशेखर शर्मा ने स्वागत किया और अपने हरे भरे आशियाने की सैर कराई। मैं चंद्रशेखर शर्मा, भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी से रिटायर्ड, ग्रीन हाउस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस ग्रीन हाउस में लगभग 700 गज में 12 कमरे और 1000 पौधे 400 वैरायटियों के लगे हुए हैं। उसको मैंने दीवार के सारे लगाया है। ये प्लांट अशोक का है, ये बरगद की बोनसाई है, ये अफ्रीका है, लोलिना है, डेजर्ट एरिया का प्लांट है, ये जीरो फाइट है। इस अनोखे घर में जहां नजर डालो वहां आंखों को सुकून देने वाली खूबसूरत हरियाली नजर आएगी। कहीं पर दीवार पूरी तरह पेड़ों के ग्रीन कवर से ढकी है तो कहीं दीवार को वर्टिकल गार्डन की तरह सजाया गया। ये प्लांट बुश है, बुश को मैंने दीवार के सारे लगाया है तो ये दीवार पे सरवाइव करने के साथ क्लाइंबर बना दिया है और इसमें पर्पल कलर के 8 महीने तक लगभग फूल आते हैं, बारिश के सीजन में नहीं आते जो अभी चल रहा है। इसमें नरमी भी है जिसकी हेज लगाते हैं, कोई जानवर से नहीं खाता, इसलिए आप बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी ट्री गार्ड के भी इस पौधे को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बैंक से रिटायर हुए चंद्रशेखर शर्मा को बचपन से ही बागवानी का शौक था, लेकिन इस ग्रीन हाउस को बनाने की प्रेरणा उन्हें एक चुनौती के बाद मिली। आगरा में पिछले 60-65 सालों से फ्लावर शो लग रहा है, वो फरवरी के महीने में लगता है और उसमें वही वैरायटी लगाई जाती है जो कि यूरोप में होती हैं ठंडे सीजन में। तो मेरे को शौक था, शुरू से मैं देखने जाता था, तो किसी ने मुझको चैलेंज किया मुझे कि आपके यहाँ तो ये बगीचा लग ही नहीं सकता, जगह तो है ही नहीं उतनी। तो मुझे ये लगा कि ऐसा भी है, तो मैंने उसे एज ए चैलेंज लिया, मन में आया मैं भी कुछ कर पाऊँ। तो मैंने उसी परपिच में क्लाइंबर लगाए दीवार, मेरे पर बड़ा मकान था पुराना, दीवारें ज़्यादा थी तो मैंने दीवारों को फूलों वाले पौधों से डेकोर किया और उस समय चलन शायद वर्टिकल गार्डन का नहीं रहा होगा, वो बाद में अब तो बहुत ही ज्यादा चलन में है। खास बात यह है कि चंद्रशेखर शर्मा ने अपने घर को सजाने सवारने में किसी आर्किटेक्ट या माली की मदद नहीं ली, बल्कि अपने हिसाब से घर के तमाम हिस्सों को अलग अलग थीम पर सजाया है। ये थीम उन्होंने विदेशों में बने गार्डन्स को देखकर तैयार किया है, जिसका नतीजा है कि उन्होंने दुनिया भर के गार्डन्स की खूबसूरती को एक जगह लाकर समेट दिया है। करीब 40 साल से बागवानी कर रहे चंद्रशेखर अब अपनी ग्रीन हाउस को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। आगरा आने वाले सैलानियों के लिए भी ये जगह किसी टूरिस्ट स्पॉट से कम नहीं है। पुराना शहर है आगरा, तो यहाँ से सबसे पुरानी रोड जो जयपुर को जाती है और बिल्कुल मेन रोड पे ही घर होने के कारण मुझे ये फायदा मिला कि जो भी टूरिस्ट निकलता है, जो आने जाने वाले रोड तो हमेशा चलता रहता है, मेन रोड है आगरा की, तो इसमें से जो भी निकलते हैं वो लोग रुक रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं मालूम था क्यों रुक रहे हैं, फिर उसे कह रहे हैं जरा बगीचा देख लें, बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ ने कहा कि हम फोटोग्राफी कर लें, तो उससे मुझे उत्साह दूना होता गया और मुझे इन्वॉल्वमेंट मेरा उस हिसाब से बढ़ता ही गया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ लोगों का जिन्होंने इस बगीचे को देख कर सराहना करी और मुझे ताकत दी।
रिटायरमेंट के बाद चंद्रशेखर शर्मा का पूरा समय अब घर के पेड़ पौधों की देखभाल में गुजरता है और वो इसके कई फायदे गिनाते हैं। समझौता मेरा ये था, मेरे को इनसे लगाव इतना ज्यादा है कि ये लगता है कि मैं अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, ये मेरे लिए बच्चे हैं। और जब किसी चीज को मान लेते हैं बच्चा है तो आपको हर समय ये रहता है कि बच्चे की केयर ये गार्जियन कैसे करे। तो वो मुझे स्पिरिट पता नहीं क्यों ऐसी मन में भावना आई कि इनको बच्चों की तरह पालूं, उतना ही प्यार मुझे है और मुझे लगता है पौधे भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि मैं उनसे करता हूँ। आपके शहर की मिट्टी, आपके शहर का जलवायु, टेम्परेचर, पानी किस टाइप का है, वही पौधे आप लगाएं तो वो बिल्कुल जीरो हैं, सस्ते हैं, उनको कोई पैसे खर्च नहीं होगा। हाँ, मेहनत, और मेहनत भी एक तरीके से व्यायाम है। बगीचा लगाना मेहनत नहीं कहूँगा मैं उसे, व्यायाम है, उसको व्यायाम समझ के करें। पार्क में कहीं जाते हैं, घूमते हैं तो अपने घर को ही पार्क बनाइए। लोग कहते हैं कि मेरे घर में बगीचा है, मैं तो ये कहता हूँ बगीचे में मेरा घर है और मेरा व्यायामशाला भी यही है, मेरा व्यायाम इसी में हो जाता है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। जो बगीचा मैंने रूपरेखा तय करी है, इस बगीचे में मेंटेन मैं खुद ही कर लेता हूँ, मुझे माली की भी जरूरत नहीं पड़ती। माली मेरे लिए कभी आया ही नहीं, मैं बगैर माली के स्वतः ही काम करता हूँ। आप अपने किचन वेस्ट से भी बेहतरीन खाद बना सकते हैं, वही मैं बनाता हूँ, उसी का प्रयोग करता हूँ और काऊ डंग का प्रयोग कर लेता हूँ। बस पौधे वो लगाएं जो ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस करें, देश को आगे बढ़ाएं, समाज को जिंदा रखें। प्राणी तभी जीवित रहेगा जब ऑक्सीजन हमें मिलेगी, ऑक्सीजन के स्रोत पेड़ पौधे हैं, ये हमें कोरोना काल ने अच्छी तरह सिखा दिया है। बागवानी में लंबा अनुभव रखने वाले चंद्रशेखर शर्मा अब दूसरों के घरों को हरा भरा और खूबसूरत बनाने में जुट गए। वो हर महीने एक फ्री वर्कशॉप करते हैं जिसमें पेड़ पौधे लगाने के टिप्स बताते हैं। मैं हर महीने एक कार्यशाला का आयोजन अपने घर पे करता हूँ और जो मीडिया भी उसमें मुझे सहयोग देता है, लोकल मीडिया, तो उसको देखने के लिए लोग आते हैं, मैं उनको बताता हूँ। और मेरा ये भी रहता है 24 घंटे, जब भी आप बुलाएंगे मुझे अपने घर में बगीचा डेवलप करना है तो मैं उसमें पूरा सहयोग देता हूँ और दूंगा। ये मेरा मोटो है, जिससे मेरा शहर सुंदर हो, पॉल्यूशन रहित हो और देश भी, जब शहर सुंदर होगा, शहरें सुंदर होंगे तो मेरा देश भी सुंदर होगा। अब मेरा यही मोटो है कि मैं पर्यावरण के लिए बहुत कुछ अपने लाइफ में कर पाऊं। चंद्रशेखर जी कहते हैं कि उनके घर में बगीचा नहीं बल्कि बगीचे में घर है। आप आगरा आते हैं और ताजमहल देखकर लौट जाते हैं, इस बार आगरा आएं तो ग्रीन हाउस भी जरूर आएं और सिर्फ वह ताज नहीं, वह उस्ताद भी जरूर कहिए। मशहूर कवि पाश ने लिखा है, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। सपने पूरे हो या न हो, वो हमें कुछ नया करने का हौसला दे जाते हैं। लखनऊ के सौरभ ने कुछ ऐसा ही किया, अपने सपने पूरे करने में जुट गए, एक रिस्क लिया। शुरुआती झटके भी लगे लेकिन आज सौरभ एक सफल बिजनेसमैन है। टेक्निकल से बोटैनिकल की छलांग ने इनकी जिंदगी ही बदल दी। जो सौरभ कुछ सालों पहले मशीनों की उलझी तारों को सुलझाया करते थे, आज पौधों से बातें करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। आज इनके पास लंबी चौड़ी नर्सरी है जिसमें बागवानी, सब्जियां, हर्बल और मसाले से जुड़े हजार से ज्यादा तरह के पौधे हैं। सौरभ को पहले बागवानी का शौक था लेकिन पेशे से ये मैकेनिकल इंजीनियर थे, दिमाग मशीनों में उलझा रहता लेकिन दिल तो हरियाली में डूबा था। फिर एक दिन सब कुछ छोड़कर सौरभ ने दिल और दिमाग एक जगह लगा लिया, यानी अपने शौक को पेशा बना लिया। 2007 में जब मेरा बीटेक चल रहा था, गार्डनिंग का शौक था, बचपन से ही था मेरे को। 2008 में जब मेरा बीटेक कंप्लीट भी हुआ, मैं जॉब करने बाहर गया, उसी टाइम जब रिसेशन आया था तो बहुत ही कम पैसों में कंप्रोमाइज करके नौकरी करनी पड़ रही थी। उसी टाइम बस माइंड में ये था कि कुछ ऐसा काम शुरू किया जाए कि जिससे सेटिस्फाई भी हो सके और कुछ इनकम भी ठीक ठाक जनरेट हो सके। तो काफ़ी सर्च करने के बाद हमें लगा कि
गार्डनिंग में बहुत शौक है, मेरा एक हॉबी है, और ऐसे बस माइंड में आया था कि अपनी हॉबी को ही क्यों ना बिजनेस बनाया जाए। लेकिन लाइफ के ट्रैक को बदलना इतना आसान नहीं होता, खासतौर पर तब जब परिवार आपकी पेशेवर तरक्की में अपनी खुशी खोजता है। कुछ ऐसा ही सौरभ के साथ हुआ। जमी जमाई नौकरी छोड़कर नर्सरी शुरू करने का आइडिया सभी ने खारिज कर दिया। इतनी रोक टोक हुई कि इन्हें भी एक समय अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। फिर लोगों ने उस टाइम टांग खींचने की कोशिश की थी, घरों में उसे काफी कुछ बोला गया कि इंजीनियरिंग करने के बाद ये कैसे, तो मैं सच में किसी को उस टाइम कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि ये डिसीजन मैंने सही लिया है गलत लिया है, क्योंकि कई लोग मतलब मुझसे तो लोग कम बोलते थे, पिताजी से लोग बहुत बोलते थे कि यार तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, वो बस मुझसे कह नहीं पा रहे थे। लेकिन बहुत ही टफ डिसीजन था वो, क्योंकि और कुछ मैं करता तो चलता, लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद एक तरह से बिल्कुल डिफरेंट मैंने फील्ड चुनी थी, तो लोगों को पचा पाना बहुत मुश्किल था, मेरे लिए भी बहुत एक टफ था वो। बाजार में कदम रखना अलग बात होती है और पैर जमाना अलग। सौरभ ने फैसला ले लिया कि नर्सरी खुल गई लेकिन बिक्री न तारा थी। तभी जिंदगी ने एक मौका दिया, लगा सब ठीक हो जाए, लेकिन मौका हाथ से निकल गया। इस घटना ने बड़ा सबक दिया जिसने आगे चलकर सौरभ की सफलता की जमीन तैयार की। मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में गया, वहां उन्होंने जो मेरे को प्लांट्स की लिस्ट दी, तो मुझे लगा कि ये सब प्लांट्स मेरे पास नहीं है, मैं बस वो लिस्ट लेकर वापस आ गया। लेकिन जब मैंने नेट पे सर्च किया, गूगल किया, तो पता चला कि मैक्सिमम प्लांट्स मेरे पास हैं। उन्होंने बॉटनिकल नेम से वो इंडेंट निकाला था, तो मुझे लगा कि यहाँ जब भी मैं कहीं जाऊँगा तो ये बॉटनिकल नेम से ही मेरे को प्लांट्स की लिस्ट पकड़ाएंगे। तो धीरे धीरे मैंने बॉटनिकल नेम्स सर्च करना शुरू किया, और एक कह सकते हैं शौक था, तो बहुत आसानी से बॉटनिकल नेम्स मैं याद करना शुरू किया। जब मैंने तो लोग रटते हैं, मुझे बस कोई प्लांट से वो पसंद आ जाए तुरंत ही उसका बॉटनिकल नेम याद हो जाता है। आज बहुत सारे लोग सौरभ की नर्सरी में आते हैं, जो सोच कर आते हैं उससे ज्यादा पाते हैं। वजह है इनकी खास सोच। इन्होंने पौधों की कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग हिस्सा बना रखा है। मसलन टेरेस गार्डन के पौधे अलग, इंडोर और आउटडोर के लिए अलग जगह, यह आमतौर पर दूसरी नर्सरियों में नहीं दिखता। मैंने कोशिश करी कि इस टाइप की एक नर्सरी बनाई जाए कि हर लोगों को, हर गार्डन लवर्स को वो सारी चीजें एक ही जगह पे प्रोवाइड होना शुरू हो जाए। क्योंकि जब जाते थे किसी भी नर्सरी में तो वो एक्सपर्ट होते थे कि कोई फ्लावरिंग प्लांट्स का ही काम कर रहा है, कोई वेजिटेबल्स प्लांट्स का, वेजिटेबल्स पे काम कर रहा है, कोई पाम्स प्लांट्स पे काम कर रहा है। तो मैंने बस कोशिश करी कि एक इस टाइप का नर्सरी बनाई जाए कि जिसमें हर टाइप के प्लांट्स की कैटेगरीज हो, लोगों को दिखाई दे वो सारे चीजें, सिर्फ ये नहीं कि लिखा हुआ कहीं पे। आज सौरभ जो भी करते हैं, जितना भी करते हैं और उससे जो भी कमाते हैं, खुश हैं। खुश हैं क्योंकि इनकी उम्मीद टूटी नहीं, खुश हैं क्योंकि ये परिवार की अपेक्षाओं पर खरे उतरे। सौरभ बहुत खुश हैं क्योंकि इनका सपना मरा नहीं। अक्सर लोग आपसे पूछते हैं कि आपकी हॉबी क्या है, आप ये बताते हैं कि हॉबी ये है और आपका काम ये है, लेकिन सौरभ त्रिपाठी ने अपने हॉबी को ही अपना काम बना लिया और अपनाया एक ऐसे क्षेत्र को जो उनके लिए बिल्कुल नया था। लेकिन आज लोग उनसे सीखने आते हैं, जानने आते हैं। सौरभ त्रिपाठी की कहानी ये बताती है कि अगर हम मन लगाकर कोई भी काम करें तो वो काम हमको बहुत आगे तक ले जाता है। इंजीनियरिंग छोड़कर नर्सरी चलाने वाले सौरभ इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वागत है सौरभ आपका गुड न्यूज टुडे पर। इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुश्किल लगी या हरी भरी नर्सरी का काम सीखना? कोई भी काम मुश्किल नहीं है, अगर आप उसका मन नहीं लगा रहे हैं सही से तो हर काम मुश्किल लगता है, और अगर आपका मन लग रहा है तो इंजीनियरिंग भी बहुत आसान है, और अगर आप लाइफ से कुछ और भी करना चाह रहे हैं वो भी आसान है अगर आप उसमें मन लगा के कुछ भी काम करना चाह रहे हैं। तो अच्छा सिनेरियो बना कि मुझे इस फील्ड में आना पड़ा, और जब मैं नर्सरी फील्ड में आया और बहुत इंटरेस्ट था मुझे पेड़ पौधों को लेके, और मुझे लगता है जब मैंने बहुत मन लगाया, इंटरेस्ट मेरा बहुत ज़्यादा था, तो बहुत आसानी से मैं एक एक बारीकी में इस फील्ड की सीखता चला गया और धीरे धीरे एक अच्छा सा व्यवसाय खड़ा किया। अब सौरभ दूसरा सवाल ये पूछना है कि अब तो आप इस काम की पूरी ABCD सीख चुके होंगे,
क्या टिप्स देना चाहेंगे आप हम सबको? मैं कहना चाहूँगा कि अगर जीएनटी के माध्यम से अगर मेरा ये वीडियो लोगों तक पहुँचता है तो मैं जरूर रविंद्र मैम से भी कहूँगा कि लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हों और कम से कम सभी लोग एक एक पौधा एक एक अपने नाम अपने परिवार के नाम पे समाज के नाम पे लगाना शुरू करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ एंड बहुत बहुत बधाइयाँ। अक्सर लोगों को लगता है कि सरकारी योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रहती हैं। दिखावे के लिए कुछ एग्जीबिशन और सेमिनार कर दिए जाते हैं लेकिन इनसे हालात नहीं बदलते, केवल खाना पूर्ति होती है। पर ऐसा सोचने वालों को हिमाचल प्रदेश के शैलेंद्र शर्मा की मेहनत देखनी चाहिए। शैलेंद्र ऑर्गेनिक खेती में इतने सफल हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उनकी तारीफ कर चुके हैं। सोलन के दरियाग बुखार गांव में किसान शैलेंद्र का परिवार अपने पॉली हाउस में शिमला मिर्च की फसल तोड़ी जा रही है, बच्चे भी साथ में। जबकि चार साल पहले जब ये खेती रासायनिक खादों से होती थी तब बच्चे तो बहुत दूर की बात, खुद शैलेंद्र 11 बजे के बाद पॉली हाउस में कदम नहीं रखते थे क्योंकि धूप और रासायनिक खाद से बनी गैस में सांस लेना मुश्किल होता था। जब मैंने ये खेती शुरू करी तो इससे पहले हम अपना जो केमिकल खेती कर रहे थे उससे जो है मेरे शरीर में एलर्जी होती थी, पूरे शरीर में यहाँ से हाथ से एलर्जी शुरू होनी है और पूरे शरीर में एलर्जी होती थी। फिर जो हमने ये नेचुरल फार्मिंग की, हम दवाई बनाते हैं, एक हमारा नियम मास्टर बनता है कीड़ों के लिए, तो वो दवाई मैं बना रहा था अपने संसाधन भंडार में और मुझे मैंने सुना था बुजुर्गों से कि नीम के पत्ते एलर्जी के लिए अच्छे होते हैं, तो उस नीम मास्टर में मैंने अपना हाथ डाल देना और उसी नीमास्टर से जो मेरी एलर्जी वो ठीक हुई है। जब हाथ में ठीक हुई तो धीरे धीरे मैं उसको अपने शरीर में लगाना शुरू किया तो फिर मैंने वहाँ से एक मोड़ बना दिया कि हमें आगे ये है नेचुरल फार्मिंग ही करनी है। सर पहले तो हम ये केमिकल वाली ही खेती करते थे जैसे सब कर रहे हैं लेकिन उससे तो मतलब बहुत ये होता था, जैसे इनको भी एलर्जी होती है और खुद भी अजीब सी मतलब इसकी स्मेल से ऐसे लगता है ना जैसे सिर घूम जाता है और ग्रीन हाउस में तो मतलब हालत खराब हो जाती है, जैसे आप मतलब 11 बजे के बाद ना आप अंदर नहीं आ सकते हो। और इसमें बाकी जो जब से हमने ये शुरू किया है ना वो चीजें खत्म हो गई, यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग से मतलब ये जैसे गैस बनती है ना वो चीज नहीं होता है इसमें। शैलेंद्र समस्या से निजात पाना चाहते थे, प्राकृतिक खेती की तरफ जाना चाहते थे लेकिन रास्ता नहीं समझ आ रहा था। तब उन्होंने सुभाष पालेकर का नाम सुना। सुभाष पालेकर भारत में मॉडर्न नेचुरल फार्मिंग के फादर माने जाते हैं। ये किसानों को जीरो बजट में प्राकृतिक खाद बनाना सिखाते हैं। इसके लिए सुभाष पालेकर को 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। 2018 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुभाष पालेकर का एक सेमिनार आयोजित किया, शैलेंद्र उसमें गए और जब लौटे तो उनकी जिंदगी और किसानी को नया मोड़ मिल चुका था। 2018 में पद्मश्री सुभाष पालेकर जी हिमाचल आए। ये एक सौभाग्य रहा हिमाचल का कि उस टाइम यहाँ अपने आचार्य देवव्रत जी अपने राज्यपाल थे तो उनके सुजनने से यहाँ पालेकर जी की ट्रेनिंग हुई और कृषि विभाग के थ्रू हम उसी ट्रेनिंग में वहाँ पहुँचे और वहाँ से हमने ये खेती सीखी और फिर उसके बाद अपने खेतों में इसको अपनाया। के लिए तो है क्योंकि जो केमिकल में तो हेल्थ के लिए तो इसमें कुछ भी नहीं है, आपको मतलब हर जगह से जैसे सबको होता है आजकल हर जगह बीमारियां ही आती है इससे ऐसा भी कुछ नहीं होता है। और जब से हमने ये शुरू किया है तो मतलब काफी मुझे तो अपनी हेल्थ में काफी इम्प्रूवमेंट लगी है। ये गुड़ बेसन और नीम के पत्तों से खाद तैयार करते हैं, फसल में डालते हैं और नतीजा अच्छी सेहत और शानदार पैदावार, 6-6 फीट के पौधे और बड़े बड़े शिमला मिर्च, वो भी चटक रंग के साथ। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शैलेंद्र के शिमला मिर्च की तारीफ कर चुके हैं जब ये दिसंबर 2021 में मंडी पहुंचे थे। और मैं आज अभी प्रदर्शनी में प्राकृतिक खेती के उत्पाद देख रहा था, उसकी साइज भी इतनी लुभावनी थी, उसके रंग रूप इतने लुभावने थे, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं हिमाचल को, हिमाचल के किसानों को,
इस बात के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं और देश भर के किसानों को आग्रह करता हूं कि हिमाचल ने जो रास्ता चुना है यह रास्ता उत्तम किसानी का एक उत्तम मार्ग है। मोदी साहब हिमाचल प्रदेश में नियर अबाउट 28 दिसंबर 2021 को मंडी में हमारे यहाँ आए थे, तो कृषि विभाग से मुझे फोन आया कि आपने अपना रेड येलो कैप्सिकम लाना है, हमें वहाँ एग्जीबिशन में लगानी है। तो मैंने भेज दी वहाँ, मैं खुद तो नहीं गया था, लेकिन जब दूसरे दिन न्यूज में चर्चा हुई, मोदी साहब ने वो जो मेरी रेड येलो कैप्सिकम अपने हाथ में उठाई और उन्होंने पूछा कि ये किस किसान उगाई है, ये किसान कहाँ का रहने वाला है, जो हमारे विभाग के अधिकारीगण वहाँ थे उन्होंने बताया कि ये शैलेंद्र जी ने उगाई है, ऐसे ये इस गांव में रहते हैं और इस पंचायत के हैं, इस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। तो मुझे ये बड़ा फख्र महसूस हुआ। नेचुरल फार्मिंग से कमाई का ये आलम है। शैलेंद्र को पहले रासायनिक खाद खरीदने में 1 से 1.25 लाख रुपए तक का खर्चा था, उतनी ही मात्रा में प्राकृतिक खाद तैयार करने में अब महज 10 से 15 हजार रुपए लगते हैं। नेचुरल खाद से शिमला मिर्च की फसल पहले से भी अच्छी होने लगी, जिससे शैलेंद्र की कमाई बढ़कर 1 साल में 12 से 14 लाख रुपए हो गई। अब हमने इसको करना शुरू किया तो इससे पहले जब केमिकल कर रहे थे उसमें हमारा खर्चा बहुत होता था, और एक हमारा जब हमने ये नेचुरल फार्मिंग शुरू किया तो इसमें हमारा खर्चा बहुत कम हो गया। मैं अगर अब अपनी बात बताऊँ, मेरे पास लगभग 1750 स्क्वायर मीटर पॉली हाउस है जिसमें मेरा ये रेड येलो कैप्सिकम लगाया, तो फिर इसमें मैं लगभग 1 लाख से ऊपर मेरा केमिकल का खर्च होता था। लेकिन अब अगर मैं सीधे सीधे बात करूं तो ये खर्चा जो मेरा घट के है वो 15 से 20 हजार रुपये आ गया है। इसमें तो है ही फर्क, जो नेचुरल चीज़ होती है वो टेस्टी तो होती है, इसमें वो टेस्ट नहीं आता जो मतलब केमिकल्स के साथ होता है, वो टेस्ट नहीं होता उसमें। हाँ सर, ये मतलब आप 10-15 दिन तो इसको बड़े आराम से रख सकते हो। बाकी जैसे हमारे यहाँ पे थोड़ी ठंड होती है तो दिसंबर में ये मतलब जो इसका कलर है वो नहीं आता है, तो हमने तो इसको मतलब काफी टाइम इवन एक महीने तक हमने स्टोर करके रखा है। और जो हमारी यहाँ पे एग्जीबिशन में गई थी, इसमें मंडी में गई थी, तो वो एक महीना हमने स्टोर करी थी, उसके बाद वहाँ पे गई थी वो एक महीना स्टोर करने के बाद। शैलेंद्र पिछले 20 सालों से पैदावार बढ़ाने के लिए खेत में खाद के नाम पर केमिकल का जहर डाल रहे थे, कुछ यही हाल देश के ज्यादातर किसानों का था। अब प्राकृतिक खाद ने नई राह दिखाई और इस राह पर शैलेंद्र के साथ हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों किसान निकल चुके हैं। हिमाचल में लगभग 9 लाख किसान हैं, जिसमें से 1,71,000 किसान हैं वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, और अब एक उन्नत भविष्य जिससे रसायनों से दूर बचा जा सके और स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो सके उसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो सेट किया है। आज के लिए बस इतना ही। गुड न्यूज टुडे पर कल रात 9 बजे फिर आऊंगी देश की बात सुनाने। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।